राधे राधे एवरीवन, आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी 2023 को 5 नवंबर दिन रविवार। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की बहुत सरल पूजा विधि बताऊंगी। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए रखती, और जिन महिलाओं के कोई संतान नहीं होती है वह महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए यह अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। सुबह में स्नान करने के पश्चात जिस भी जगह पे आप पूजा कर रहे हैं पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। पहले के समय में जमीन पर ही पूजा की जाती थी, अब के समय में चौकी लगाकर कपड़ा बिछाकर उस पर पूजा की जाती है। अगर आप जमीन पर पूजा कर रहे हैं तो उस जगह को साफ कर लीजिएगा और हल्दी से चौका लगा लेंगे। आप चाहें तो हल्दी से स्वास्तिक भी बना सकते हैं या रोली से बना सकते हैं। स्वास्तिक बहुत शुभ माना जाता है किसी भी पूजा कार्य में, तो आप स्वास्तिक बना लीजिएगा हल्दी से। और कहीं कहीं पर अहोई अष्टमी वाले दिन मिट्टी की गौर बनाकर पूजा की जाती है। अगर आपके यहाँ मिट्टी की गौर बनाकर के पूजा की जाती है तो आप मिट्टी की साधारण सी गौर बना लीजिएगा। आजकल तो मार्केट में भी बहुत इजीली मिट्टी की गौर बनी हुई मिल जाती है, आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं। इसके बाद में हमें दीवार पर कैलेंडर लगाना है, आप चाहें तो तस्वीर भी ला सकते हैं। पुराने समय में गेरू से दीवार पर अहोई अष्टमी माता का चित्र बनाकर उसकी पूजा की जाती थी और फिर से अगले साल उसको साफ करके दीवार को फिर से अहोई अष्टमी माता गेरू से बना करके पूजा की जाती थी। लेकिन अब के समय में तो कैलेंडर और तस्वीर आ गई हैं, तो उनको लगाकर दीवार पर पूजा की जाती है और इस तरीके का मिट्टी का करवा आता है। आपके यहाँ घड़ा लिया जाता है तो आप घड़ा ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर मिट्टी का करवा ले लिया है। उसके कंठ पर कलावा बांध दिया है और करवे पर स्वास्तिक बना दिया है रोली से। तो इस तरीके से आप कंठ को कभी भी खाली नहीं छोड़िएगा। कोई भी कलश स्थापना में या करवा ले रहे हैं और उसको शुद्ध जल से हम भर देंगे। मैंने यहाँ पर एक स्टील का लोटा ले लिया है और उसको इसके ऊपर मैं भर कर रख दूँगी। कहीं कहीं पर अनाज भरा जाता है एक में, और एक में जल भरा जाता है, और उसके ऊपर हमें ढक्कन रख दूँगी। हमें ढकना है ये, तो इस तरीके से मैंने ढक्कन आप ज़रूर लेकर के आइएगा। अब हम अहोई अष्टमी माता की पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अहोई माता को, गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को रोली से तिलक करेंगे। सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे और हल्दी से तिलक करेंगे। तो देखिए, हमने जो कलश लिया है, लोटा लिया है, इस पर भी हमें रोली से तिलक करना है, हल्दी से तिलक करना है, और तिलक में हमें चावल समर्पित करने हैं यानी अक्षत समर्पित करने हैं। इसके बाद में ये अहोई माता यानी स्याऊ माता जो गले में पहनी जाती हैं माला, उसको हम इन लोटे पर और करवा जो भी आपने लिया है इस पर इसको रख देंगे। इसका भी पूजन हमें इसी प्रकार करना होता है। और एक कटोरी या जितना भी आप चाहें उतना अनाज ले सकते हैं जो आपने चौक बनाया है उस पर हम रख देंगे। आप चाहें तो ज़मीन पर भी ये अनाज रख सकते हैं या कटोरी में रख सकते हैं। उस अनाज के ऊपर आपके यहाँ अगर दीपक जलाया जाता है तो दीपक जलाकर रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ दीपक नहीं जलाया जाता है तो अब आपको बगैर दीपक जलाइए पूजा करनी होती है। हमारे यहाँ दीपक जलाया जाता है तो मैंने अनाज के ऊपर दीपक जलाकर रख दिया है। इसके बाद में हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो अहोई माता को, गणेश भगवान को, और हमने कलश पर पहले ही स्वास्तिक बनाकर कलावा बांध दिया था, तो उस पर हमें बांधने की ज़रूरत नहीं है, लोटे पर बांध देंगे हम, क्योंकि लोटे पर हमने कलावा नहीं बांधा था कंठ पर। और उसके बाद में हम चावल समर्पित कर देंगे सभी को तिलक पर। अगर आपके पास फूल हैं अहोई माता को फूल समर्पित कर सकते हैं। फूल नहीं है तो आप बगैर फूलों की भी ये पूजा अर्चना कर सकते हैं। दीपक का भी पूजन हमें इसी प्रकार करना होता है। रोली, हल्दी, चंदन लगा करके दीपक का पूजन कर देंगे यानी अग्निदेव का पूजन कर देंगे। उसके बाद में हमें भोग समर्पित करना है। जो भी आपके यहाँ भोग बनाया जाता है आप भोग में वो समर्पित कर सकते हैं। पूड़े, पुए, पूड़ियाँ जो भी बनाई जाती हैं, हमारे यहाँ हलवे से और बतासे से भोग लगाया जाता है। मैंने यहाँ पर हलवा और बतासा ले लिया है। और हरे रंग के कोई भी फल ले सकते हैं आप, खीरा ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंघाड़े ले लिए हैं तो आप सिंघाड़े का भी भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद में हमें कुछ बायना निकालना होता है। आप अपनी सासू जी के मंसने के लिए आप साड़ी सूट जो भी पहनती हैं आप उसके अनुसार आप ले सकते हैं, और उसके ऊपर हमें दक्षिणा जरूर रखनी है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार थोड़ा कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा। और एक लोटा जल ले लेंगे हम, और अपने सीधे हाथ में कुछ अनाज के दाने लेकर हमें कथा सुननी होती है। आप ये कथा सुबह में सुन रहे हैं तो आपको ये सूर्य देवता को जो लोटा है हमने रखा है जल का, ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। उसके बाद फिर से भर के रख लेंगे और तारे को अर्घ देंगे।
तो कथा सुनने के बाद में जो आपने अनाज के दाने ले रखे हैं वो कुछ लोटे में डाल देंगे, कुछ हम अहोई अष्टमी माता को समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी कथा पूर्ण होती है। उसके बाद में हम करेंगे आरती। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की सुख के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे। और जो भी आपने अपनी सासू जी के लिए बायना निकाला है उसको हमें मंसना होता है, तो अपने सीधे हाथ में पानी लेकर यानी जल लेकर दो बार उस पर वार देंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी अहोई अष्टमी माता की पूजा पूर्ण हो जाती है, बहुत ही सरल है। और जो भी आपने बायना निकाला है सासू जी को, ननद को, अगर आपकी सासू जी नहीं है तो ननद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं या पंडिताइन को भी आप दान कर सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो भी साथ में ही आपको दान कर देना है, साड़ी सूट के साथ में, या फिर आप चाहें तो ये गाय को भी खिला सकते हैं। कहीं कहीं पर गाय को खिलाया जाता है और कहीं कहीं पर पंडिताइन को दान किया जाता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार होता है आप उस प्रकार कर सकते हैं। और जब आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं या तारे को अर्घ देते हैं, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद में जो स्याऊ माता की जो माला है वो गले में पहनी जाती है और दिवाली वाले दिन तक पहनी जाती है। जब पूजा हमारी पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में पैर छूकर घर में जो भी हमारे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेंगे और हमें जो माला है स्याऊ माता की वो हमें पहन लेनी है अपने गले में और कंटिन्यू दिवाली तक पहन कर रखनी है। कहीं कहीं पर कम दिनों के लिए पहनी जाती है, कहीं कहीं पर इसको दिवाली तक पहना जाता है। और जो हमने करवे में जल रखा है, आपके यहाँ करवे में रखते हैं या घड़े में या लोटे में जल रखते हैं, एक लोटे का जल या घड़े का जल आपको अपने बच्चों को जब स्नान कराएं तो उस जल में मिला करके अपने बच्चों को स्नान कराना होता है। ये स्नान आपको दिवाली वाले दिन कराना होता है अपने बच्चों को। तो इस प्रकार अहोई अष्टमी वाले दिन आपको कोई भी चीज़ जैसे मिट्टी खोदना है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सब कार्य नहीं करने होते हैं उस दिन। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर आप लोगों के लिए यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही दिवाली से सभी वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।